हुआ प्रकाश? लगता है कुछ खराबी आ गई है। कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं तुम फिक्र ना करो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। कुछ करो प्रकाश। नहीं अभी स्टार्ट हो जाएगा। प्रकाश जरूरत थी इस मुसीबत को अपने गले डालने की? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते प्रकाश? कितनी बार तुम्हें समझाया स्मिता, प्लीज अपनी हैबिट्स को चेंज करो, चेंज करो। लेकिन नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? अब कहने को बचा ही क्या है? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं उस आदमी को जानती तक नहीं। जानती तक नहीं? जैसे बिना जान पहचान की वो तुम्हारे पीछे पड़ गया ना। तुम तो यूं ही बस राई का पहाड़ बना रहे हो। स्टॉप इट ऑल स्मिता प्लीज। इस टॉपिक में मैं अब और बात नहीं करना चाहता। याद है? याद है वो पार्टी वाली शाम? मुसीबत हमारे घर पड़ी थी। कहा है
अब अगर डर लग रहा है तो मैं क्या करूं? जाओ बिना जान पहचान के हर किसी को स्माइल पास करो, हेलो हाय हाउ आर यू। औरतों की भी कोई लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स। प्रकाश तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। स्मिता मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये झूठी जिंदगी जीने में कोई शान नहीं होती है, ये पार्टियां वार्टियां सब ढकोसले हैं अमीरों के। तो मैंने उस न्यू ईयर पार्टी में ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना? मैं ओवरऑल तुम्हारे नेचर तुम्हारे स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूँ। उस पार्टी में भी उस आदमी को स्माइल तो मैंने ही पास की थी ना, फ्लोर पे उसके साथ नाचा भी मैं ही था। प्रकाश तुम ऐसे शट अप एंड स्टॉप इट ऑल प्लीज। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो आदमी मेरे ये सब तुम्हारी नादानी की वजह से हुआ है, नादानी की वजह से। स्मिता 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 अटूट तुमसे मेरा रिश्ता, क्या करेगी किसी की नाराजगी जब हद से गुजरेगी मेरी दीवानगी। स्मिता बोलो। प्रकाश उसने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। क्या क्या कह रही हो तुम? प्रकाश कुछ करो,
मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अभी अपने बॉस से बात करो। मैं? अरे तुम नहीं कर सकती हो तो मैं कर लूंगा। प्रकाश, आखिर वो चाहता क्या है? अरे मैं क्या बताऊं वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, लेकिन अब जो कुछ भी करना होगा जल्दी ही करना होगा। अच्छा सुनो, तुम प्लीज मुझे आज पिकअप करने के लिए आ जाना। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो एक बात बताओ, उसने तुमसे बात करने की कोशिश तो नहीं की ना, या फिर कोई और हरकत? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर मैं सोचती हूँ एक बार उससे पूछो तो सही, आखिर वो चाहता क्या है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करना, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, कहीं फिर से कोई मुसीबत ना मोल ले लेना। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम वहां जरूर जाना प्रकाश। देखिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो है ना जिसने अभी अभी आपके ऑफिस में ज्वाइन किया? हाँ, कही? वो बात दरअसल ये है कि पिछले कई दिनों से वो हमें परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। वो क्या है कि पिछले कई दिनों से वो हमारा यानी मेरी वाइफ स्मिता का पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? तो हाउ कैन आई हेल्प यू इन दैट? देखिए अब इस तरह से किसी शादीशुदा शरीफ औरत का पीछा करना, उसको फूल देना, ये जानते हुए कि वो मेरी पत्नी है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ पेश आने का। हाँ तरीका तो नहीं है, लेकिन क्या उसने कोई ऐसी हरकत या कोई बदतमीजी की है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया उसने, लेकिन हम लोग परेशान तो हो रहे हैं ना। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन आपके सिर्फ इतना कहने से मैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी तो नहीं ले सकता। हाँ अगर उसने कोई ऐसी हरकत की है या बदतमीजी की है तो मैं कोई एक्शन ले सकता हूँ। हाँ मैं उसे आगाह जरूर कर सकता हूँ। थैंक यू, आई एम सॉरी। मैंने फैसला कर लिया स्मिता। क्या? इसका कुछ ना कुछ तो अब करना ही होगा। हाँ? अरे वही मोटरसाइकिल वाले का। हम क्या करेंगे प्रकाश? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो मैंने पीके से बात कर ली है। पीके? अरे वही मेरा वकील दोस्त। हाँ हाँ। आज उसे मैंने गार्डन रेस्टोरेंट में बुलाया है। चल बैठो। ये तो ठीक किया, ये अच्छा किया तुमने। क्या बात होगी, पीके अभी तक आया नहीं? फिक्र मत करो, आता होगा, निकलते निकलते कुछ हो गया होगा। पर फोन पे उसकी मेरी बात हुई है, ठीक समय पे आने के लिए कहा था उसने। प्रकाश, तुम्हारी उससे बात क्या हुई थी? बात क्या होनी है, वो मोटरसाइकिल वाले के लिए कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई तो करनी होगी ना। प्रकाश हम लोग किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मेरा मतलब है कि तो सामने वाले साहब। ये पैसे हैं वो। चलो, चलो अभी आगे चलते हैं। वो पीके, पीके को बांध दे, फोन कर लेना। हेलो, पीके? हाँ पीके मैं बोल रहा हूँ। हाँ प्रकाश। अरे क्या हुआ यार? सॉरी यार, एक क्लाइंट के चक्कर में रुक गया, कल हियरिंग है उसके केस की। अरे तो यार मेरी प्रॉब्लम का क्या हुआ, जानते हो कितना इंतजार किया तुम्हारा। आई एम रियली वेरी सॉरी यार। यार लगता है बात हाथ से निकलती जा रही है, उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जानते हो आज वो वहाँ रेस्टोरेंट में भी पहुँच गया। एक बात तो बता प्रकाश। हाँ? आज तक उसने कोई हरकत की? नहीं यार हरकत तो उसने कोई नहीं की, लेकिन वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। देख इसमें हम लीगली कुछ भी नहीं कर सकते यार, हम किस वजह को लेकर। देख पीके तू कम से कम मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। यार मैं तेरी परेशानी समझता हूँ, तू भी कुछ समझने की कोशिश तो कर, हो सकता है वो सिर्फ मजाक कर रहा हो। यार अब कम से कम तू तो मेरी बात को मजाक में ना ले। देख अगर अगर कुछ नहीं कर सकता है तो साफ साफ बोल। यार मुझे गलत ना समझो, मुझसे जो मन पड़ेगा जरूर करूंगा, मगर अब तक के वाक्य को देखकर हम कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम
इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ओके बाय। कहना क्या था? डाल दिया बस। लगता है अब इसका कुछ और ही करना पड़ेगा। कितनी बार कहा है तुमसे, कितनी बार कहा है तुमसे अपनी ये नादानियां ये बेवकूफियां बंद करो, लेकिन तुम हो मारोगी थोड़ी अपनी हरकतों से, बास थोड़ी होगी तुम। आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छी तरह से जानती हो हम लोग मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, और तुम्हें टीवी देखने की पड़ी है, और ऊपर से ये मोटरसाइकिल, इसकी आवाज ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे मेरा ही क्या, तुम्हारा भी तो। सॉरी सॉरी। फोन की घंटी बज रही है, जाके फोन सुनो। हेलो, मैं स्मिता बोल रही हूँ। अरे नरेश, कहाँ से बोल रहे हो, तुम कब आए? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम अभी इसी वक्त फौरन घर चले आओ, ठीक है? हम लोग चाय नाश्ता साथ ही करेंगे। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बाय। किसका फोन है स्मिता? अरे मामा जी है ना, उनके लड़के नरेश का फोन था, मैंने उसे चाय पर बुला लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह अपना नाम बता देना और इतनी लंबी चौड़ी बात करना, वो भी उसका नाम जाने बगैर। कैसी बातें कर रहे हो, जिसके साथ मैंने बचपन गुजारा उसकी आवाज नहीं पहचानूंगी क्या? मेरा मतलब वो नहीं था स्मिता। तो क्या था तुम्हारा मतलब प्रकाश? लगता है वो आ गया। इतनी जल्दी? स्मिता ने बुलाया था। तुम्हें बुलाया? हाँ। फोन पर अभी। हाँ, आई से गेट आउट ऑफ माय हाउस। तुम्हारी ये रोज रोज की पचकानी हरकतें हमारे लिए हमेशा एक नया मुसीबत का पहाड़ खड़ा करती हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे टक्कर करूं? अपने अपने खुद का बड़ा धोखा देता है, लेकिन यहाँ
सब कुछ कितना अपना अपना सा लगता है ना यार। अच्छा एक बात तो बताओ, वहाँ शहर में तो किसी को नहीं मालूम ना कि हम लोग यहाँ हैं। कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बस अपने ऑफिस में बताया है सिर्फ। क्या सिर्फ ऑफिस में बताया? हाँ ऑफिस में तो बताना ही था, वरना लीव कैसे सैंक्शन होती। ओ गॉड, कर दी ना बेवकूफी तुमने। क्यों, उस शिबू को थोड़ा ही पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। शिबू? हाँ वो शिवम, ऑफिस में सब लोग उसे प्यार से शिबू शिबू बोलते रहते हैं। ओ तो अब तुम भी उसे प्यार से शिबू शिबू बोलने लगी हो। प्रकाश शट अप यार, तो तुम ऐसे तुमसे बड़ी बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखी है। कमाल करती हो यार तुम भी हर। जाने कब पीछा छूटेगा इससे। हमें क्या करना चाहिए प्रकाश? अब मैं क्या बताऊं क्या करना चाहिए, जहां जाओ वहीं टपक पड़ता है। स्मिता, कब से दूर खड़ा मैं तुम्हें देखता रहा, निहारता रहा, आज तुम्हें बाहों में पाकर ऐसा लगता है स्मिता जिंदगी मेरी बाहों में सिमट आई है। शिबू। हाँ स्मिता। शिबू, जब से तुम्हें देखा है मुझे भी ऐसा ही लगता है। स्मिता तुम्हारा एहसास, शिबू तुम्हारा एहसास। बस स्मिता बस, आगे कुछ ना कहो। ये सांसें मैं तुम्हारे लिए लेता हूँ स्मिता, ये जिंदगी मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, तुम्हारा स्पर्श मात्र मुझे मदहोश बना देता है स्मिता। स्मिता इससे पहले कि मैं मदहोश हो जाऊँ थाम लो मुझे अपनी बाहों में, समेट लो स्मिता, समेट लो मुझे अपनी बाहों में। स्मिता, स्मिता! प्रकाश, कहाँ चली गई, कहाँ गई? शिबू क्या चाहते हो? स्मिता अच्छी तरह से जानते हो तुम, वो मेरी पत्नी है, शादीशुदा है वो। जानता हूं फिर भी, लेकिन क्यों? मैं स्मिता से प्यार करता हूं और हमारे इस प्यार में सिर्फ तुम दीवार हो, सिर्फ तुम। पागलपन, पागलपन है तुम्हारा, बेहद पागलपन। दीवानगी है ये मेरी, पूछ लो इन हवाओं से, इन फिजाओं से, इन हंसी वादियों से, इस जमीन से,
इस आसमां से, ये सब गवाह है, गवाह है मेरी इस चाहत के, मेरी दीवानगी के। अभी हमें किसी की चीख सुनाई दी थी। चीख? नहीं तो, तुम्हें कोई वहम हुआ है? हाँ। गॉड, मैं तो डर ही गई। मुझे लगा कि तुम पहाड़ी से नीचे गिर गए। हाँ, तुम तो यही चाहोगी ना कि मैं पहाड़ी के नीचे गिर जाऊँ और मर जाऊँ। किसी बातें कर रहे हो? सुबह सुबह तो शुभ बोला करो। कहाँ गई थी तुम? मैं तो जॉगिंग करने गई थी। जॉगिंग करने गई थी? चलो अब जल्दी से होटल चलो, हम आज ही घर वापस जाएंगे, अपना सामान पैक करना है। आज ही? पर आज ही क्यों? पक पक मत करो, इतने सवाल मत किया करो, चलो। गॉड नहीं प्रकाश, होटल चल के बात करेंगे, चलो चलो। प्रकाश, हम लोग हिल स्टेशन से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? प्रकाश, तुम्हारी तबीयत खराब है? प्रकाश, क्यों क्या हुआ मेरी तबीयत को? ठीक ठाक तो हूँ, हमेशा तुम्हें बीमारी नजर आता हूँ क्या? मैं जब तक बीतू की बातें करती हूँ। लगता दरवाजे पे कोई है, मैं दरवाजा खोलता हूँ तो आप ही का नाम मिस्टर प्रकाश है? जी, मैं ही हूँ। मैं रावत, इंस्पेक्टर रावत। मैं ही कमिंग? प्लीज प्लीज, थैंक यू। मिस्टर प्रकाश, आपकी पत्नी मेहता इंडस्ट्रीज में काम करती है? जी हाँ, करती तो है, लेकिन आप खड़े क्यों? बैठिए ना। थैंक यू। आप भी बैठिए, आइए प्लीज। थैंक यू। दरअसल मैं शिबू के बारे में पता करने आया था। शिबू? जी हाँ, शिबू मेरा कजन। उसकी माँ बहुत परेशान है, दो तीन दिन से वो घर नहीं आया, तो मैं आपकी पत्नी के ऑफिस गया था। वो कहीं हिल स्टेशन जाने की बात कर रहा था, जहाँ शायद आप भी गए थे। हाँ गए तो थे, लेकिन तो आपको वो नजर आया वहाँ? नहीं नहीं, शायद कहीं आपको वो घूमते हुए मिल गया हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसे परेशान क्यों हैं मिस्टर प्रकाश? हैं नहीं, मैं परेशान कहां? नहीं, आप लग रहे हैं परेशान। नहीं आपको प्रकाश, देखो ना, पता नहीं किसका जूता आ गया हमारे सामान में, देखो। ये क्या बदतमीजी है, क्या जरूरत थी इसे आने की? इंस्पेक्टर साहब आए हैं, कोई चाय वाय लेके आओ ना। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ ना यहां से। अरे आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाहिएगा नहीं? Your wife, मेरी चार्मिंग। आप तो दो हफ्ते के लिए हिल स्टेशन गए थे ना, तो इतनी जल्दी लौट आने की कोई खास वजह? तो मौसम खराब हो गया था, तबीयत कुछ ऐसे तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चाय आ रही है, आप बैठिए ना, बैठिए प्लीज। शिबू से आप कभी मिले तो होंगे? हाँ, लेकिन वो हिल स्टेशन पे नहीं। ये तो लीजिए, गर्मा गर्म चाय प्लीज। थैंक यू। आप इंस्पेक्टर रावत है ना? अरे आप मुझे जानती? नहीं, पर मैंने आपकी तस्वीर देखी है अखबार में। थैंक यू। आपको पता है मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। क्यों क्यों? कितने खूंखार होते हैं ना वो लोग।
क्या मैं आपको खूंखार नजर आता हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप तो एकदम फिल्मी हीरो जैसे दिखते हैं। थैंक यू। अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते होंगे ना? मैं भी योगा करती हूँ। वेरी गुड। आप चाय लेंगे? नहीं चाहिए। क्यों भाई? वो चाय नहीं पीता हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द टी। यू मोस्ट वेलकम। वैसे कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। जरूर। आइए। बाय। बाय। तो याद करेंगी ना? जरूर। नहीं कुछ नहीं। क्या कर रहे हो इतनी रात को? कुछ भी तो नहीं, सो जाओ ना तुम। क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं है। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी तो नहीं है। बताते क्यों नहीं हो? क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छुपा रहे हो तुम? क्या है ये? जब से हम लोग वहां से आए तुम इतने परेशान हो। किसका जूता है? बताते क्यों नहीं हो किसका जूता है? बताओ ना किसका, क्या है इस जूते में? जानना चाहती हो? जानना चाहती हो? जानना चाहती हो तो सुनो, ये जूता है तुम्हारे आशिक शिबू का। मार दिया उसे मैंने, खून कर दिया उसका, पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया मैंने उसे। उसने मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी थी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मारता था। इसलिए हे भगवान, तुमने क्या किया प्रकाश? अब क्या होगा प्रकाश? अब क्या होगा? अब क्या होगा प्रकाश? स्मिता, कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। तुम चुप रहना इस बारे में। Just keep quiet, please. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रकाश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात। इंस्पेक्टर रावत है ना, उसको इसकी भनक लग चुकी। वो एक बार आया भी था शिबू के बारे में पूछना। देखो देखो, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहना। प्लीज चुप रहना, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं करना। प्लीज क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आप आइए आइए। अरे बैठी रही बैठी रही। आइए ना बैठिए प्लीज। आज आप ऑफिस नहीं गई? जी वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। दरअसल मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया था। जी। शिबू के बारे में। जी शिबू के बारे में?
मार दिया उसे मैंने, खून कर दिया उसका, पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया मैंने उसे। ये अचानक क्या हो गया आपको? जी वो शिबू मिला तो जरूर था, पर प्रकाश ने कुछ नहीं किया, प्रकाश बेकसूर है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? जी वो इतने घबरा क्यों रही हैं आप? ये स्मिता मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। इंस्पेक्टर रावत है ना, उसको इसकी भनक लग चुकी है। स्मिता जी कोई ऐसी बात तो नहीं जो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए आप लोगों के लिए? देखिए कोई बात छुपाने से फायदा कुछ नहीं, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर नहीं, रावत। तुम मुझे रावत कह सकती हो, अपना दोस्त समझ सकती हो मुझे। भाई आखिर हम भी इंसान हैं, दूसरों के जज्बात को समझ सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर हुआ क्या था? संभाल लूंगा, अरे बड़े बड़े मामले मैंने चुटकियों में सुलझा दिए। उस दिन शिबू मिला था वहां, प्रकाश उसे देखकर पूरी तरह घबरा गया। तुम? मैं शिबू। क्या चाहते हो? स्मिता अच्छी तरह से जानते हो तुम, वो मेरी पत्नी है, शादीशुदा है वो। जानता हूं। फिर भी? लेकिन क्यों? मैं स्मिता से प्यार करता हूं और हमारे इस प्यार में सिर्फ तुम दीवार हो, सिर्फ तुम। पागलपन, पागलपन है तुम्हारा, बेहद पागलपन। दीवानगी है ये मेरी, चाहे तो पूछ लो, पूछ लो इन हवाओं से, इन फिजाओं से, इन हंसी वादियों से, इस जमीन से, इस आसमां से। ये सब गवाह है मेरी इस चाहत के, मेरी दीवानगी के। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जी। मेरा मतलब है कि ये सब बताकर तुमने बहुत समझदारी का सबूत दिया, लेकिन मामला बहुत नाजुक है, बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे। तुम समझ रही हो ना? जी हाँ। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम बहुत होशियार रहना, वो घबराहट में प्रकाश कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। नहीं। देखो मामला जब एक बार उलझ जाता है तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी और से बिल्कुल मत करना। नहीं बिल्कुल नहीं। चलता हूँ। Thank you.
हेलो स्मिता है? हेलो स्मिता, मैं रावत बोल रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? स्मिता, तुमसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। कत्ल के बारे में। जी, अगर मैं प्रकाश को भी यहाँ बुला लेता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। क्यों घबरा गए मुझसे? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। देखो स्मिता, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी में तुम्हारी भलाई है। तुम शाम को आ ही जाओ। जी, जैसा आप ठीक समझे। सी यू इन द इवनिंग। बाय। हेलो, प्लीज कम इन। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, ये दरवाजा सिर्फ बंद किया है, लॉक नहीं किया है। अरे इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? ओ कम ऑन जी, वो प्रकाश नहीं आए? नहीं, वो आएंगे भी नहीं। जी क्यों? मैंने फोन किया था, मुझे मिले नहीं। सुबह से कई बार रिंग कर चुका हूँ मैं। गॉड, ये तो अच्छा नहीं हुआ, वो नाराज हो जाएंगे। अरे आराम से बैठो, सब ठीक हो जाएगा। है मैं तुम्हें ज्यादा देर तक रोकूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर, सिर्फ रावत रावत को मुझे। मेरा हाथ। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है प्रकाश, बहुत खुशनसीब। मैं चलती हूँ। अरे चली जाना, अभी तो शाम ढली भी नहीं। जी, अरे स्मिता, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं सारा मामला इस तरीके से दबा दूंगा कि किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। ये हुई ना बात, देखो मुस्कुराते हुए तुम कितनी हसीन लग रही हो। तुम्हारी ऐसी खूबसूरत लड़की को तो कभी उदास होने नहीं। इंस्पेक्टर साहब मैं चलती हूँ, 6 बजने वाले हैं, प्रकाश इंतजार कर रहे होंगे। ओह यस, आई एम सॉरी, शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको इस तरीके से बुलाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप तो हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई है ना, प्रकाश इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। बाय। कहाँ थी अब तक, कहाँ थी? तुम क्यों नहीं आए? कहाँ? इंस्पेक्टर रावत ने बुलाया था ना। इंस्पेक्टर रावत? क्यों बुलाया था, किस लिए बुलाया था? एक जरूरी काम था। उसने बुलाया और तुम चली गई, वो भी अकेले? नहीं, उसने तो कहा था कि तुम भी आओगे। अरे कम से कम मुझसे फोन करके पूछ तो सकती थी। फोन मैंने किया था, तुम ऑफिस में ही नहीं थे। स्मिता स्मिता, अपनी इन बचकाना हरकतों से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। चली गई तो कौन सी कयामत आ गई, वो हमारी कितनी हेल्प ही तो। हेल्प? कैसी हेल्प? तुम तो बात बात पर बहस करने लग जाते हो। तुम्हारे इस चिड़चिड़ापन की वजह से हम लोग दूसरों से कट गए हैं। मेरे हंसने बोलने तक मैं पहरा लगा दिया, किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात भी नहीं कर सकती। हाँ, जैसे मैंने तुम्हें कैदी बना के रखा है इस घर में, बंदी बना दिया तुम्हें। अरे तुमसे बड़ी बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखी, जो मिलता उससे हंसना बोलना शुरू कर देती हूँ। पहले वो मोटरसाइकिल वाला और अब ये इंस्पेक्टर रावत। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? सामने से हटो, मुझे जाना है।
इस मामले की पूरी छानबीन कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा। हालात किसी भी वक्त कोई भी करवट ले सकते हैं, और तुम्हारी एक छोटी सी गलती मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। स्मिता, इंस्पेक्टर, कोई रिस्क वाली बात तो नहीं है ना? रिस्क तो है जी, पूरा पूरा रिस्क। देखो स्मिता, कत्ल करना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है कत्ल करके बच निकलना। वैसे अभी तक तो सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। आप हमारे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। लेकिन तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। जी, मैं समझी नहीं। हमारे अब मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए, ना तो मैंने कोई रिश्वत ली, ना मैंने कोई फायदा उठाया, लेकिन कम से कम एक पार्टी का हकदार तो मैं हूँ। जरूर इंस्पेक्टर, जब भी आप चाहें। तो भी ठीक, एक आध रोज में मैं आ रहा हूँ पार्टी लेने के लिए। जरूर। अच्छा, मैं चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। बाय बाय। थैंक्स वंस अगेन। हेलो प्रकाश। आई एम सॉरी प्रकाश, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। प्लीज। दो ही दिनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है तुम्हारी और उस बदमाश की। किसकी बात कर रहे हो? उसी लफंगे की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी तुम्हें बाहर छोड़ के गया। प्रकाश, रावत बुरा आदमी नहीं है, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी? ये पुलिस वाले कितने शरीफ होते हैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। अरे तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ। जब उसका असली रूप तुम्हारे सामने आएगा ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है तुम्हें वो। बस कह चुकी, या कुछ और भी कहना बाकी है? कह दो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। कह दो कि तुम्हारे बीवी मच्छलन है, आवारा है। स्मिता, स्मिता, प्लीज। अपनी आंखों से शक का चश्मा उतार दो प्रकाश। रावत बुरा आदमी नहीं है। अगर वो ना होता ना, तो पता है कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए होते हम लोग। उसने आज तक नहीं आने दी तुम पर, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम। उसे कैसे पता चला? मैंने बताया था। लॉर्ड, वो बेवकूफ औरत, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी उसे बताने की? जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हारी वजह से रहने क्या क्या मुसीबतें उठाने में मुझे मजबूर होना पड़ा। मैं दुश्मन को तुम्हारी यही कहना चाहती हूँ। ऐसे शट अप प्लीज। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। उसने प्रकाश दिमाग का कमजोर आदमी जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। तो तुम्हें चाहता भी बहुत। वैसे मैं शाम को आऊंगा और उसे समझा दूंगा, और फिर उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। पार्टी दोगी ना मुझे? ओहो, तुम फिर शुरू हो गई। तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह उदास मत हुआ करो। I want to see you beautiful as you are, okay? चलो अब स्माइल करो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। That's like a good girl. शाम को घर आ रहे हो? 100%। अच्छा, मैं चलूँ? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
क्यों है? आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाहिएगा नहीं? क्या मैं आपको खूंखार नजर आता हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप तो एकदम फिल्मी हीरो जैसे दिखते हैं। थैंक यू। Thanks once again. I want to see you beautiful as you are. Okay? Chalo, smile karo. Muskurao. Muskurao. That's like a good girl. Shaam ko ghar aa rahe ho na? 100%. लो प्रकाश, पियो पियो। बहुत सहन कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब सहन नहीं होता इंस्पेक्टर। हाँ, तुम मेरे और मेरी पत्नी के मामले में टांग मत अड़ाना। ठीक है, नहीं अड़ाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नमकीन लीजिए ना। ओह यस। सब जानता हूँ क्या होता है इस घर में। क्या होता है? बस भी करो, बहुत पी लिया आप। पीऊंगा और पीऊंगा, जितना दिल में आएगा पीऊंगा। तुम कौन होती हो रोकने वाली? बस भी करो, कब तक पीते रहोगे? Shut up! Get out! Relax, शांत हो जाओ प्रकाश, शांत हो जाओ। अरे इंस्पेक्टर, तुम नहीं जानते इसको, मैं जानता हूं इसे। ये कैसी औरत है? बेवकूफ है ये, एक नंबर की बेवकूफ। जिंदगी बर्बाद करके रख दी इसने, तबाह कर दिया मुझे। अरे क्या जरूरत थी वो शिबू के बारे में ढिंढोरा पीटने की, हर किसी से जाके बात करने की? अरे स्मिता ने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, समझे? भले के लिए किया? बेवकूफ है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खामोश, एकदम खामोश। तुम मालूम है तुमने क्या किया? खून किया, कत्ल किया एक आदमी का। और अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो मैं उसे कब का हथकड़ी लगा चुका होता, समझे? पियो से, पियो पियो पियो। लेकिन मुझे नहीं लगा सकते, मैं जानता हूँ मुझे नहीं लगा सकते। क्यों? क्यों? पियो, पियो। मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते तुम, मैं चुप।
जाता बस। देखो स्मिता आज आज मुझे तुम रोकना मत है। स्मिता प्रकाश कहाँ है? वो सो रहा है। स्मिता स्मिता तुम मालूम नहीं था कि मेरी ये दीवानगी आपको इतनी मुश्किल में डाल देगी। लोगों का कल भाग हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आप लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूं।